नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन की स्थिति, तो दूसरी ओर असमान बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल क्षतिग्रस्त। पश्चिमी चंपारण जिले के प्रखंड रामनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत राजकटोरी कुमिया के दर्जनों किसानों ने मसूरी फसल बर्बाद होने एवं सरकारी मुआवजा नहीं मिलने को लेकर एक आवेदन प्रखंड कृषि पदाधिकारी तरुण कुमार मिश्रा को दिया। आवेदन में कृषि सामान्य की एन सिंह द्वारा अपने कहते लोगों को अनुदान दिलाने तथा किसानों के द्वारा किसान संबंधित अनुदान के बारे में जानकारी नहीं देना, पूछने पर दुर्व्यवहार करना आदि आवेदन में है। कृषि सामान्य के एन सिंह ने बताया कि किसानों के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। जो किसान अपना आवेदन ऑनलाइन जमा किए हैं, जाँच कर अनुदान राशि उनके खाते में भेजा जा रहा है। बिहार पश्चिमी चंपारण से ब्यूरो चीफ जय सिंह की रिपोर्ट। मैं कृष्णनंदन सिंह, मैं रामनगर में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर पर पोस्टेड हूँ। किस प्रखंड पंचायत में? हाँ, किस पंचायत में? पंचायत भावल खटौरी एंड रामनगर नगर पंचायत। खटौरी पंचायत के कुमिया गांव के ग्रामीणों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? बेबुनियाद है। जो भी किसान ऑनलाइन नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। ऐसे मैनुअली यहाँ कुछ होता नहीं है। धन्यवाद। अपन परिचय? हमार परिचय सुरेश गिरी, ग्राम कुमिया खुर्द, पंचायत खटा खटोरी। रउआ लोगिन का समस्या के लेके रामनगर प्रखंड कृषि कार्यालय आइल बनी लोगिन? हमनी के मसूरी फसल के बर्बादी के लेके आइल बन जाए। कृषि कुछ ना कुछ बोला तरह कुत्ता खाने काला पर झारा तरह कहो तरह, जहाँ मन कर तहाँ जाइए, प्राइम मिनिस्टर के जाइए, चीफ मिनिस्टर के लेके जाइए, कुछ नहीं होगा हमारा। धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।